आप पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं ये पूरा फेक है, यहाँ पे कोई स्टूडियो नहीं है, ये सिंपल सा एक वॉल है। और आप भी अपने वीडियोस में ऐसे ही स्टूडियो जैसा बैकग्राउंड को बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है वो मैं आपको 3 स्टेप्स में बताऊंगा अभी। पहले 2 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लास्ट का स्टेप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। ऐसे प्रोफेशनल बैकग्राउंड अगर आप अपनी वीडियोस में यूज करते हैं तो आपका वीडियो का रिटेंशन बहुत ही बढ़ेगा, क्योंकि आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और लोग अच्छी क्वालिटी की वीडियो को ज्यादा देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपको आपके वीडियो के लाइटिंग पे ध्यान रखना होगा। आप कोई भी सिंपल सा लाइट यूज कर सकते हैं, या फिर आप नेचुरल लाइट में मतलब सनलाइट में अपनी वीडियो को शूट कर सकते हैं तो वो बहुत ही परफेक्ट आएगा। या फिर अगर आप कोई छोटे से रूम में शूट कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके फेस पे सही लाइटिंग पड़े और आपका जो बैकग्राउंड है उस पर कोई शैडो ना पड़े, तो आप बैकग्राउंड से थोड़ा सा आगे बैठे। अगर मैं यहाँ पे पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे जो है शैडो पड़ेगा, वॉल पे शैडो पड़ेगा, तो बैकग्राउंड अच्छे से कट नहीं हो पाएगा और हमारा वीडियो जो है बहुत ही अच्छा नहीं दिखेगा। और सेकेंड स्टेप में हमको ये करना है कि हमको एक अच्छा सा बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ से, जैसे कि pixels.com। बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए हमें pixels.com पे आ जाना है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे स्टूडियो बैकग्राउंड। और सर्च करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे हमको स्टूडियो बैकग्राउंड मिल जाएंगे, यहाँ पे अच्छा सा सेलेक्ट करके हमको डाउनलोड कर लेना है। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। और देखिए हमारा इमेज डाउनलोड हो चुका है। ऐसे ही हमें कुछ और इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है, बाद में हम उसमें से कोई भी सेलेक्ट करके उसको अपनी वीडियो में यूज कर लेंगे। और हम खुद के मनपसंद का स्टूडियो भी बना सकते हैं, उसके लिए हमको आ जाना है लियोनार्डो AI पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्री जनरेटेड इमेजेस मिल जाएंगे। और खुद का स्टूडियो बनाने के लिए आपको इमेज जनरेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डेली का 150 फ्री क्रेडिट्स मिल जाएगा, जिससे आप अपना इमेज जनरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ इमेज जनरेट भी किया हुआ है। जनरेट करने के लिए आपको यहाँ टॉप पे लिख लेना है जैसा आपको चाहिए स्टूडियो। मैंने यहाँ पे लिख लिया है स्टूडियो बैकग्राउंड विद गुड लाइटिंग। और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा नंबर ऑफ इमेजेस, तो एक जनरेशन में कितना इमेज जनरेट करना है वो आपको लिख लेना है। और कुछ देर में यहाँ पे आपको जनरेट करते ही इमेजेस जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे फोटो रियल दिख रहा है लेफ्ट में, अगर उसको सेलेक्ट करते हैं तो रियलिस्टिक इमेज आपको जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे इमेज जनरेट हो चुके हैं, यहाँ पे आपको जो पसंद आएगा उसको सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए फोटो को सेलेक्ट करके उसको डाउनलोड कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप में, जो कि है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग करने के लिए हम कैपकट एप्लीकेशन यूज करेंगे। मैंने कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और जो वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया है। अब हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसके लिए हम वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे दिखाई देगा कटआउट का ऑप्शन, उसको क्लिक कर देंगे तो कुछ समय के बाद ये कम्प्लीटली बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका लाइटिंग सही नहीं होता है तो वीडियो का बैकग्राउंड क्लियरली रिमूव नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से रिमूव हो गया है। अब हम फिर से प्लस आइकॉन पे क्लिक करके जो बैकग्राउंड हमने डाउनलोड किया था उस बैकग्राउंड को चूज करके हम यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर लेंगे। देख सकते हैं मैंने ऐड कर लिया है और जो स्टूडियो वाला इमेज था वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम अपने वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे ओवरले का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक कर देंगे और उसके बाद उसको स्टार्टिंग तक ड्रैग कर लेंगे। और जो स्टूडियो वाला इमेज है उसको भी हम सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेंगे और लास्ट तक ले जाएंगे, जहाँ तक हमारी वीडियो कम्प्लीट हो रही है वहाँ तक हम ड्रैग कर लेंगे। अभी हमारे वीडियो में बैकग्राउंड इमेज ऐड हो चुका है। अभी हमको बैकग्राउंड जो इमेज है उसको थोड़ा सा जूम करके हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग हमें सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जूम पिंच करके जूम कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कैसे भी इसको जूम करके सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स, जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ। स्क्रॉल करके यहाँ पे स्टिकर्स का ऑप्शन है, इसको क्लिक करके यहाँ पे हॉट स्टिकर में मिल जाएंगे। यहाँ पे सब्सक्राइब का सिंबल है तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। आप ये अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पिंच करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पे जहाँ सही बैठेगा वहाँ पे बिठा लेंगे। तो मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो गया है। अब हम इसको पूरे वीडियो में ड्रैग कर लेंगे। तो ड्रैग करने के लिए सेलेक्ट करके इसको पूरा ड्रैग कर लेते हैं और ये हमारे पूरे वीडियो में बैठ जाएगा अच्छे से। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पूरे वीडियो में फिट हो गया है। अब हम इस वीडियो को हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेंगे और हमारा वीडियो तैयार है। ऐसे ही आप भी अपने वीडियोस को प्रोफेशनल बना सकते हैं।